साहब ने जो बातें कर दी है मैं तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। तीन बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इसे लाइल्मी का इजहार किया वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है, नंबर वन। नंबर दो, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत अफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूं, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा केपी में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कंपेन जारी रखूंगा, जहां पार्टी मुझे हुक्म करेगी पंजाब में जाने की मैं जाऊंगा। और आखिरी बात, रऊफ हसन साहब के हवाले से मैंने शिकवा किया, खान साहब ने अपनी नाराजगी बजरिए चेयरमैन साहब उनको कन्वे कर दी है। मैं तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। तीन बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इसे लाइल्मी का इजहार किया वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है, नंबर वन। नंबर दो, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत ऑफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूं, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा केपी में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कंपेन जारी रखूंगा, जहां पार्टी मुझे हुक्म करेगी पंजाब में जाने की मैं जाऊंगा। और आखिरी बात, रऊफ हसन साहब के हवाले से मैंने शिकवा किया, खान साहब ने अपनी नाराजगी बजरिए चेयरमैन साहब उनको कन्वे कर